हैं बीजेपी के द्वारा जो प्रताड़ित करके और हमारे ऑनेस्ट और संघर्षशील विकास पुरुष माननीय श्री फिराज हकीम साहब को जो अरेस्ट किया गया बिल्कुल इलीगल तरीके से विदाउट किसी नोटिस के, लग रहा है कि किसी माफिया डॉन के तरह से यहाँ की सीबीआई ने जा करके और बाई फोर्स सेंट्रल फोर्स ने जा करके उनको जो अरेस्ट किया है काफ़ी निंदनीय है। अगर उनको अरेस्ट करना ही था शारदा और नारदा कांड में तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अभियुक्त है शारदा नारदा कांड का बीजेपी का लीडर आपको मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को करना चाहिए था। ये लोग तो बंगाल को और बंगाल के आवाम को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। इस तरह का जो हमारे मिनिस्टर और मेयर बॉबी हकीम साहब, ये लोगों को तरक्की से जोड़ने का काम करने का काम करते हैं, ये लोग गलत राह पर और गलत काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच इनको पकड़ा जाना क्या बोलते हैं? ये साजिश है बीजेपी की। बीजेपी तो हमेशा साजिश ही करती है। कोविड का के नाम पर पूरे बड़ी बड़ी रैलियां करके और कोविड फैलाने का काम, बाहर से लोगों को बुला करके बंगाल के अंदर कोविड फैलाने का काम तो बीजेपी ने किया, और राज्यपाल का भी जो दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है ये काफ़ी निंदनीय है। इसलिए कि एक राज्यपाल को कानून और संविधान का पालन करते हुए सबको एक बराबर देखना चाहिए, और जितना उनको फीडबैक दीदी को देना चाहिए, ममता बनर्जी जी को देना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि ये बंगाल दीदी के बताए हुए रास्ते पर उनके दिशा निर्देश के अनुसार कितने भली भांति चल रहा है। लेकिन ये लोग तरह तरह का षड्यंत्र करके और दीदी के सरकार में गवर्नमेंट में जो ऑनेस्ट एमपी और मंत्री हैं उनको अरेस्ट करने का और लांछन लगाने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी के लोग वही शुभेंदु अधिकारी, वही मुकुल राय, शारदा नारदा कांड के ये लोग अभियुक्त थे, और जब बीजेपी के अंदर गए तो ये लोग बिल्कुल दूध के धुले हुए हो गए। जो भी अभियुक्त बीजेपी ज्वाइन कर लेता है नेता, हम लोगों का डिमांड है कि हमारे ऑनेस्ट लीडर, हमारे फरहाद हकीम साहब, हमारे एमएलए पोर्ट एरिया के हम लोगों के एमएलए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसलिए कि उनका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सीबीआई और ईडी को आगे करके और इनको बदनाम करने की और अरेस्ट करने की साजिश रच रही है।